नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप हमारे पीछे हमारा प्लॉट देख रहे हैं कि गेहूं की बालियां निकल रही हैं। तो बहुत सारे एरिए में हमारे काफ़ी किसान भाई की गेहूं की बालियां निकल रही हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई बालियां निकलने के बाद कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, यानी कि गेहूं की बालियां निकलने के बाद ऐसी कौन सी तीन गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। काफ़ी सारे हमारे किसान भाई ऐसी तीन गलतियां करते हैं जिस वजह से उनकी जो बाली होती है उसमें दाना ठीक से नहीं बैठ पाता है और उनका जो दाना होता है वो बारीक रह जाता है और बाली का साइज छोटा रह जाता है। तो ऐसी कौन सी तीन गलतियां हैं और किसान भाइयों का सवाल है कि क्या हम बाली निकलने के बाद बायोबीटा, सागरिका या फिर एनपीके 19 का स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाई, इस वीडियो का पूरा अंत तक देखते रहिएगा, आपको एकदम जानकारी मिलने वाली है कि आपको ऐसी कौन सी तीन गलतियाँ जो आपको नहीं करनी और क्या इनमें से सागरिका, बायोबीटा या फिर एनपीके 19 ऐसे कौन सा स्प्रे का प्रयोग करना जिससे जो आने वाले समय हमारी गेहूँ की बालियों को मोटा, चमकीला, वजनदार किस प्रकार से कर सकते हैं और इसमें जो उत्पादन है हमारा ओवरऑल उत्पादन उसको हम किस प्रकार से अधिक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान की ऐसी तीन गलती आपको नहीं करना और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें ऐसे कौन सा स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। जो मैंने शुरू में बताया था कि क्या हम सागरिका, बायोबीटा या फिर एनपीके 19 या फिर ऐसे कौन सा स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए बाली निकलने के बाद। अगर आपकी गेहूं की फसल गबोज अवस्था में तब भी आप इस वीडियो को देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है क्योंकि आने वाले 15 दिन में आप सभी लोगों के, हमारे किसान भाइयों के गेहूं की बालियाँ निकलने वाली हैं, यानी कि निकल आएंगी 15 दिन में सभी की, भले चाहे किसी ने जनवरी में गेहूं की बुआई करी हो, सबकी बालियाँ 15 दिन में बाहर निकल आएंगी। तो बालियाँ निकलने के बाद आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आपको ऐसे कौन सी तीन गलतियाँ जो आपको नहीं करना है। सबसे पहली गलती हमारे किसान ये करते हैं कि अपनी गेहूं की फसल में सही समय पर सिंचाई नहीं करते। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ कि परागण की क्रिया होती है, फ्लावरिंग स्टेज होती है और उस समय पर वो स्प्रे का प्रयोग करते हैं और सिंचाई का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी जब गेहूँ की फसल गबोज अवस्था में तभी आप हल्की सिंचाई कर दीजिएगा। जब आपको लग रहा हो कि, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें फूल बनना है, यानी कि फूल बनने की अवस्था में आप कोई भी स्प्रे या फिर कोई भी सिंचाई का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। इससे ये होता है कि परागण की क्रिया में वो आप डिस्टर्बेंस होता है, जिससे ये होता है कि सही तरीके से फूल नहीं बन पाता है और दूध नहीं बैठ पाता है हमारी बालियों में और हमारा पैदावार कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं किसान भाई, क्योंकि बालियाँ हमारी निकल आती है, जो भी हमने कार्य पहले करा था वो हमने पहले कर दिया, अब हमारा जो सेंसेटिव टाइम ये चल रहा है कि हमें बालियों की देखभाल करना है, बालियों की टेक केयर करना है। उससे ये होता है कि इस समय पर काफ़ी सारी फंगस का अटैक देखने को मिलता है। तो किसान भाई, आपको डेली बेस पे आपको विजिट करना पड़ेगी अपने खेत पर, डेली एक बार आप शाम को बीज जरूर करिए, क्योंकि इस समय पर हल्दी रोग की, यानी कि पीला रतुआ की समस्या होती है, वो समस्या बहुत ही अधिक देखने को मिलती है। तो आपको ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आप देख सकते हैं कि अगर आपके खेत में पीला रतुआ एक ऐसी समस्या है कि एक बार ये पाउडर फॉर्म में आपकी फसल में लगेगा, थोड़ी सी जगह में होगा, अगर आप एक दो दिन इग्नोर कर देंगे तो ये धीरे धीरे करके आपके पूरे खेत में फैल जाएगा और आपके जो फसल है उसको बर्बाद कर देगा, आपकी जो पैदावार उसको 50% कर देगा, यानी कि 50% तक लॉस हो सकता है आपका। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको लगता है कि फंगस का अटैक है, पीला रतुआ का या फिर जो हल्दी रोग की समस्या, तो आपको टोबोकाना जोल या कोई भी अन्य टेक्निकल का आपको स्प्रे अवश्य कर देना है। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती हमारे किसान में करते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति नहीं कर पाते, क्योंकि बालियाँ निकलने से बाद कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिंक की, लोहे की, मैग्नीशियम की और लोहे की, जिंक की, कार्बन की आवश्यकता पड़ती है हमारे गेहूं की फसल को, तो काफ़ी हमारे किसान भाई नहीं देते, जिस वजह से उन्हें काफ़ी सारा हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाई, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जिंक का या फिर सल्फर का या फिर लोहे का अगर आपको कमी पड़ रही है आपकी गेहूँ की फसल में, डिफिशेंसी है, तो अगर आप उस डिफिशेंसी को पूरा नहीं करते उससे ये होता है कि आपकी जो बाली होती है वो तो छोटी रह जाती है, दूसरा उसमें जो दाना होता है वो बारीक रह जाता है, जिससे जो आपका पैदावार निकल करके आता है वो कहीं ना कहीं कम निकल करके आता है। क्योंकि आपने पहले तो बोला था कि हमने सारी खादों का प्रयोग करा था, यूरिया भी लगाई थी, डीएपी भी लगाई थी, सारे स्प्रे भी करे थे, लेकिन एंड समय पर, एंड ऑफ द मोमेंट आपने देखभाल नहीं करी थी, जिंक की, सल्फर की या फिर जिंक की, सल्फर की आपने पूर्ति नहीं करी, कैल्शियम की पूर्ति नहीं करी, लोहे की पूर्ति नहीं करी, तो आपका पैदावार के समय एंड टाइम पर कम हो जाएगा। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आपकी जो गेहूँ की फसल उसमें जिंक की कमी है, यानी कि आप देख सकते हैं जैसे कि ऊपर का जो पत्ता होगा वो, ये आपका ऊपर जो झंडा पता है येलो कलर का दिखाई दे, तो आप देख सकते हैं कि जिंक की इसमें समस्या है, तो आप 10% में जिंक सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से आप जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी उसको पूर्ति अवश्य करिए, काफ़ी हमारे किसान में नहीं करते जिससे उन्हें घाटे का सामना करना पड़ता है। तो किसे अब हम बात करते हैं कि क्या हम बाली निकलने के बाद सागरिका, बायोबीटा या फिर एनपीके 19 या फिर एनपीके 0534 ऐसे कौन सा स्प्रे का प्रयोग करें जिससे जो हमारे आने वाले समय में दाना अच्छा हो, बाली का साइज अच्छा हो, मोटा हो, हमारी बाली मोटी हो, उसमें जो दाना बने वो मोटा, चमकीला, वजनदार बने, जिससे जो हमारी पैदावार उसको हम अधिक किस प्रकार से ले सकते हैं। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सागरिका
ऐसा पोषक तत्व है जो हमारी गेहूँ की फसल की बढ़वार के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है और हमारी उसकी जड़ों में ग्रोथ करता है, टेलरिंग में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, तने को मजबूत करता है। लेकिन किसान भी इसका समय पीरियड है यूज़ करने का, वो हमारी जो गेहूँ की फसल 40 से 45 दिन की होती है, तो उस समय पर आप सागरिका का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी बालियाँ निकले तो इस समय पर आपको सागरिका का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे हम बात करें बायोबीटा, तो बायोबीटा और सागरिका दोनों ही सेम कॉम्बिनेशन होता है, इसमें दोनों में बस नाम चेंज होता है, ब्रांड चेंज होता है, लेकिन कार्य दोनों तरीके से सेम करते हैं, दोनों टेक्निकल, तो आपको बायोबीटा का भी प्रयोग नहीं करना है। अब बात करते हैं कि एनपीके 1919 की वीडियो मैं बहुत पहले बना चुकी हूँ। एनपीके 1919 जो हमारी गेहूँ की फसल 25 से 30 दिन की होती है, तब हमारी जो गेहूँ की फसल में डिफिशेंसी होती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की, तब हम पूर्ति करेंगे तो आपको बेहद अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं NPK 0524, जो जैसे कि मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे किसान भाई की गेहूँ की फसल गबोज अवस्था में, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत ही खास होने, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँ कि आपकी गेहूँ की फसल गबोज अवस्था में, तब उस समय पर NPK 0534 का स्प्रे कर दीजिए, उसके साथ में 200 ग्राम बोरोन ले लीजिएगा, 1 किलोग्राम NPK 0534, तब आप देंगे गबोज अवस्था, तो आपको बेहद ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपकी जो बाली होगी वो एक समान निकलेगी, बाली का साइज लंबा होगा और उसमें दाना बैठेगा बहुत ही मोटा। अब बात करते हैं किसान में कि अब जो अब हमारी बाली निकल आई तो इस समय पर हमें कौन सा स्प्रे का प्रयोग करना है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ इस समय पर बस आपको एक स्प्रे का अवश्य प्रयोग करना है, वो करना है आपको NPK 0050। और आप जो पोटेशियम होता है उसमें पोटेशियम हमारे जो दाने को मोटा चमकीला वजनदार करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता कर सकते हैं। आप पोटास का आप दो तरीके से पूर्ति कर सकते हैं, एक तो आप दानेदार पोटास है उसका प्रयोग करेंगे 25 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से बालू रहता मिक्स करके दे सकते हैं, देने के बाद में अगर आप सिंचाई बाद में आपको करना है, यानी कि पहले आप दे दीजिएगा फिर उसके बाद में सिंचाई कर दीजिएगा। दूसरा आप फॉलियर स्प्रे द्वारा भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूँगी आप स्प्रे द्वारा दीजिएगा, तब आपको बेहद अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप दानेदार देंगे वो लंबे समय में आपको रिजल्ट निकाल करके देगा, लेकिन वही आप फॉलियर स्प्रे द्वारा देंगे तो आपको तुरंत ही 24 से 48 घंटे आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। तो आप 1 किलोग्राम NPK 0050 उसके साथ में आप बोरोन ले लीजिए 200 ग्राम और स्प्रे कर दीजिए, जो आपकी बाली का साइज होगा किसान भाइयों वो मोटा होगा, दाना मोटा होगा, बाली का साइज लंबा होगा और आपकी जो पैदावार हुई कम से 25 से 30% अधिक पैदावार निकल करके आएगी। तो ये जो मैंने आपको जानकारी दी किसान भाई, अगर आप इस तरीके से अपनी गेहूँ की फसल की देखभाल करते हैं तो अपनी गेहूँ की फसल से बेहद अच्छा रिकात्मक पैदावार ले सकते हैं। इस समय पर काफ़ी सारे कीटों का भी अटैक देखने को मिलता है, तो आप ध्यान रखें किसान भाई आपको डे बाई डे यानी कि एवरी डे आपको गेहूँ अपनी फसल की विजिट करना है और देखभाल करना है, क्योंकि शुरू के ये जो 20 से 25 दिन होते हैं काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, अगर आपने एक दो दिन भी मिस कर दिए तो अपने हाथों से अपनी फसल को बर्बाद कर सकते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। रोज़ आपको खेत पे विजिट करना है, देखना है कि जो भी समस्या दिखाई दे रही है उसका तुरंत ही निवारण करना है, और आप नहीं करेंगे तो आप अपने हाथों से अपने पैदावार जो अपनी आपने पूरे साल कराए उसको अपने हाथों से बर्बाद करें, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से आप करेंगे तो अपनी गेहूँ की फसल से बहुत अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे जो हमारी जानकारी हमारे सभी किसान भाई तक पहुँच सके, अपनी गेहूँ की फसल से बेहद अच्छा रिकात्मक पैदावार ले सके। ये जानकारी मैं और देना चाहूँगा, काफ़ी हमारे किसान भाई सोच रहे कि गेहूँ की कटाई करने के बाद मार्च में हमें कौन सी सब्जियों का चयन करें, तो किसान भाई हमारे चैनल पर वीडियो पहुँच हो चुकी है कि मार्च महीने में ऐसी कौन सी सब्जियाँ लगाएं जिससे हमें अधिक प्राइस मिले, मार्केट से अधिक रेट मिले और उसकी पैदावार हम अधिक ले सके, तो हमारे चैनल पर वीडियो पहुँच चुकी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और मार्च महीने में भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो पहुँच चुकी कि भिंडी की बुआई से लेकर कटाई तक आपको ऐसे कौन कौन से कार्य करें, तो हमारे चैनल पर वीडियो पहुँच चुकी, तो आप इन दोनों वीडियो को देखकर बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।